खबर कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र से है, जहां सेक्टर 2 में अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने महिला की हत्या करके शव को निर्वस्त्र अवस्था में हाथ पैर बांधकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में फेंक दिया और शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और इसके बाद डॉग स्क्वाड और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि विज्ञान नगर थाना क्षेत्र की यह घटना और मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। निर्वस्त्र अवस्था में महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गहनता से पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि क्या कुछ कारण इसके रहे होंगे। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र सेक्टर 2 की यह घटना कोटा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां निर्वस्त्र अवस्था में महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौका मुआयना करके मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और साथ ही गहनता से मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि निर्वस्त्र अवस्था में महिला का शव क्यों फेंका गया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी राजेंद्र, ये बताएं कि क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है। लवीना, जिस तरह से आज ये अज्ञात महिला का शव मिला है, उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी तक खुलासे की बात कर रहे हैं तो पुलिस अपनी छानबीन कर रही है और छानबीन के साथ साथ उन स्थानों पर भी मैसेज पहुंचाया गया है जहां पर कहीं किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं थी। पूरा वाक्य को बताना चाहूंगा, विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में सेक्टर 2 क्षेत्र की यह घटना है, जहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक महिला का शव नग्न अवस्था में बोरी में भरकर और जो GI वायर आते हैं उनसे उसको पूरी तरह से बांध कर फेंका गया है। अगर डेड बॉडी की बात करें लवीना, तो कम से भी कम 2-3 दिन पुराना शव है। महिला की जो चमड़ी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और साथ में वहां पर बदबू इतनी आ रही थी जिससे स्थानीय लोग ने वो सूचना दी। वहां पर एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया और जैसे ही सफाई कर्मचारी ने बोरे को खोल कर देखा तो वहां पर एक महिला का शव था। बाद में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंची। पुलिस की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जैसे डॉग स्क्वाड टीम, सभी जांच एजेंसियों को वहां पर बुलाया गया और साक्षी जुटाए गए। इन साक्षियों के आधार पर ही महिला की छानबीन की जा रही है। साथ में विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनके फुटेज निकाले जा रहे हैं। उन फुटेज के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कौन लोग हैं जो इस शव को यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर छोड़ के गए। जी जी राजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।